स्मॉल लीग टीम कैसे बनाएं, किस टाइम कॉन्टेस्ट ज्वाइन करें, इन्वेस्टमेंट कैसे करें। हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे स्मॉल लीग विनिंग टिप्स और इन्वेस्टमेंट के बारे में, क्योंकि ग्रैंड लीग तो सबको ही खेलता है, मैं भी खेलता हूं, मैंने ग्रैंड लीग का वीडियो बना रखा है, आप लोग नहीं देखे हो जाके देख लेना। लेकिन स्मॉल लीग के बारे में ज्यादा लोग बात नहीं करते, जबकि स्मॉल लीग मैक्सिमम प्लेयर खेलता है, मैक्सिमम प्लेयर। तो स्मॉल लीग टीम कैसे बनाए, किस टाइम कॉन्टेस्ट ज्वाइन करें, यह भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि किस टाइम कॉन्टेस्ट ज्वाइन करें, और इन्वेस्टमेंट कैसे करें, कौन सा मैचेस में करें। देखो, कई बार आप बहुत अच्छा टीम बना लेते हो, बहुत ही बेहतरीन टीम बनाते हो, और आप उस दिन हार जाते हो। अब आपको लग रहा होगा कि मैं इतना बेहतरीन टीम बनाया, मेरा कैप्टन ने बढ़िया परफॉर्मेंस किया, वाइस कैप्टन भी बढ़िया परफॉर्मेंस किया, फिर मैं हार क्यों रहा हूं भाई। मेरे पास और या मेरे टीम में इतने अच्छे एक्सपीरियंस वाले लोग कैसे आ जाता है, नॉन एक्सपीरियंस वाले लोग क्यों नहीं आता है? जिनके पास कम माइंड हो या कम एक्सपीरियंस हो, ऐसे लोग क्यों नहीं आता है? आपके माइंड में ये जरूर चलता होगा, पक्का चलता होगा। और आप अगर चार मेंबर तीन मेंबर खेलते होंगे, तो कई ऐसे भी टीम आपको देखने को मिलता होगा कि भैया वो ग्रैंड लीग का टीम है। आपको लगता होगा यार ये टीम तो ग्रैंड लीग में लगाना चाहिए, ये बंदा इस मिनी ग्रैंड लीग तो जरूर जीत जाता, स्मॉल लीग में क्यों आया, मुझे क्यों हराया, आपको लगता होगा। तो ये सवाल का जवाब हम आपको इस वीडियो में देंगे, जिससे कि आपको पक्का बेनिफिट मिलेगा और पूरे सीजन में आपको जीतने का अच्छा एक मूल मंत्र मिल जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखना। और टीम कैसे बनाए, क्योंकि जिसको स्मॉल लीग टीम नहीं बनाना आता है वो भी बताएंगे। और इन्वेस्टमेंट कैसे करें, कई ऐसे भी लोग हैं जो कि पागलों जैसा इन्वेस्टमेंट करता है, मतलब बहुत लोग ऐसे हैं व्यवसाय में जो नौकरी करता है, बहुत लोग ऐसे हैं जो बिजनेस करता है, या बहुत ऐसे लोग हैं जो किसान भी है, या बहुत ऐसे लोग हैं जो स्टूडेंट है। अब उनको पॉकेट मनी मिलता है या किसी को सैलरी मिलता है, वो क्या करता है, एक मैच में या दो मैचेस में वो लगा देता है, लगा दिया दो मैचेस में, हार के बैठ गया, पूरा महीना वो बैठ गया। अब उसको लगता है, अब जब उसके पास पैसे नहीं रहेगा ना, अब वो क्या करेगा, कुछ 10, 20 या 50 रुपया बचेगा, उससे वो टीम ज्वाइन करेगा, टीम ज्वाइन करेगा और वो टीम उसका बेहतरीन परफॉर्मेंस करेगा। फिर उसके दिमाग में ये आएगा कि यार मैं क्यों कल लगा दिया सारा पैसा, काश आज थोड़ा बचा लेता, आज लगा लेता तो आज जीत जाता। बिल्कुल आपके माइंड में चल रहा होगा, बिल्कुल चल रहा होगा। तो ये क्यों चलता है और क्यों करते हो ऐसे, उसके बारे में बताऊंगा क्या गलती करते हो। तो चलो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि स्मॉल लीग टीम कैसे बनाएं, ठीक है? तो इसको करते हैं रिमूव, इसको रिमूव करते हैं। और पहला हम लोग जो टॉपिक उठाते हैं वो है कि स्मॉल लीग टीम एसएल, मतलब हम शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं एसएल टीम कैसे बनाएं। हम यहां पे ऐसे लिख देते हैं, कैसे कैसे बनाएं स्मॉल लीग टीम एसएल टीम कैसे बनाएं। तो ये पहला टॉपिक है। सबसे पहले आपको बता देता हूं, जब भी आप स्मॉल लीग टीम बनाते हो तो जो प्लेयर कंटिन्यू परफॉर्मेंस करता है उस प्लेयर को बिल्कुल ड्रॉप मत करना, क्योंकि आपके सारे ओपोनेंट के पास वो प्लेयर होगा ही होगा। कई ऐसे भी बेवकूफ हैं जो कि सोचेगा कि आप विराट कोहली को फ्लॉप कर देते हैं, काश हम जीत जाते हैं। अरे ऐसे काश आप 7-10 मैचेस में सिर्फ दो ही मैच में या एक ही मैच में जीत पाओगे, 9 मैच हारोगे, ऐसे बिल्कुल मत करना। जो इंपॉर्टेंट प्लेयर होते हैं, जो नामी प्लेयर होते हैं, जिनका रिकॉर्ड बहुत बढ़िया होता है, चाहे सीरीज हो या इंटरनेशनल हो, जो T20 खास के 20 ओवर मैच में जो ओपनिंग बैटिंग करता है या वन डाउन टू डाउन, ऐसे प्लेयर को ड्रॉप बिल्कुल मत करना। मतलब मोस्टली आप जो कंटिन्यू अच्छा खेलता है उस प्लेयर को जरूर रखना, और ऐसे कम से कम 9-10 प्लेयर रखना। मतलब अगर आप स्मॉल लीग खेल रहे हो, ग्रैंड लीग तो नहीं खेल रहे हो, स्मॉल लीग खेल रहे हो, तो कम से कम 9-10 प्लेयर आपके सेफ प्लेयर होना चाहिए, सेफ प्लेयर, ठीक है? ये एफ है, टीम में समझ लेना, सेफ प्लेयर होना चाहिए, 9-10 सेफ प्लेयर होना चाहिए। और आपके एक रिस्की प्लेयर जरूर होना चाहिए, क्योंकि अगर आप रिस्की प्लेयर नहीं लोगे और पूरे के पूरे सेफ प्लेयर अगर आप रख लेते हो 11 के 11, तो फिर आपका क्या होगा, या तो आपका टीम क्लैश होगा, और क्लैश नहीं भी होगा
तो कोई एक रिस्की प्लेयर लेके आया होगा और उसका बॉलर दो विकेट ले लेगा और आपका बॉलर सिर्फ एक विकेट लेगा, आप हार जाओगे। तो आपके टीम में एक रिस्की प्लेयर होना जरूर चाहिए, ये मूल मंत्र है। लोग इनको फॉलो नहीं करते, लोग ना सारे 90% 80% सिलेक्शन वाले प्लेयर 11 के 11 उठा लेता है और कैप्टन भी सेफ चूज कर लेगा, वाइस कैप्टन भी सेफ चूज कर लेगा, बोलेगा यार मैं तो सब हाई सिलेक्शन वाले प्लेयर को रखा था तो मैं क्यों हार गया। हारते हो इसलिए क्योंकि आपको नॉलेज नहीं होता है, आप पिच रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, या पिच रिपोर्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पिच रिपोर्ट तो आप जरूर जान लें क्योंकि टॉस से 25 मिनट पहले पिच रिपोर्ट आया था। पिच रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आप रिस्की प्लेयर को एक सेलेक्ट जरूर करें। पिच रिपोर्ट से आपको पता चल जाएगा कि स्पिनर को हेल्प मिलेगा या फास्ट बॉलर को हेल्प मिलेगा, और जो स्पिनर नहीं चल रहा है पूरे 4 ओवर बॉलिंग करता है और वो उसका रिकॉर्ड अच्छा है, ठीक है, जैसे युजवेंद्र चहल हो गया, ठीक है, ऐसे बहुत सारे स्पिनर हैं तो जिनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, अक्षर पटेल हो गया, तो उस प्लेयर को आप नहीं चल रहा है उस प्लेयर को आप अपनी टीम में सेलेक्ट कर सकते हो। लोग उनको नहीं रखेगा क्योंकि उसका सिलेक्शन कम है और पहले पेसर्स को हेल्प मिल रहा था, अब स्पिनर को आपको दिख रहा था, अब ले लो अपनी टीम में, बस और कुछ नहीं करना। तो यहाँ पे आप एक रिस्की प्लेयर को अपनी टीम में जरूर रखना। कैप्टन वाइस कप्तान पे आपको ज्यादा रिस्क लेने की जरूरत नहीं है, कैप्टन आप सेफ बनाओ। जैसे कि अगर आप देखोगे, जैसे अब आईपीएल का पहला मैच चेन्नई वर्सेस आरसीबी का मैच है, अब एक प्लेयर ऐसा प्लेयर आया है जिनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है T20 वर्ल्ड कप में, जैसे रचिंद्र रविंद्र है या विराट कोहली खेल रहा है, फैफ डू प्लेस खेल रहा है, जिनका सिलेक्शन अच्छा है, जो ओपनिंग बैटिंग करेगा या वन डाउन बैटिंग करेगा, बॉलिंग पूरे 4 ओवर बॉलिंग करेगा, रिकॉर्ड अच्छा आपको दिख रहा है, उसी प्लेयर को कैप्टन वाइस कप्तान बनाओ। ऐसा नहीं कि आपको ऐसे बॉलर को उठा के कैप्टन बनाना है जो मिडिल ओवर में बॉलिंग कर रहा है, जिनको हो सकता है कि 3 ही ओवर बॉलिंग मिले, सिर्फ बॉलिंग करे, तो ऐसे प्लेयर को ऐसा नहीं कि कैप्टन बनाना जरूरी है। आप इंपॉर्टेंट प्लेयर को कैप्टन वाइस कैप्टन बनाओ, लेकिन एक रिस्की प्लेयर को जरूर रखना। तो आपको पता चल गया कि टीम आपको कैसे बनाना। सबसे पहले तो आपको टॉस अपडेट देखना है, पिच रिपोर्ट देखना है, उसके अकॉर्डिंग आपको 9 से 10 सेफ प्लेयर को चूज करना है और एक रिस्की प्लेयर टॉस के अकॉर्डिंग या पिच के अकॉर्डिंग आपको पता चल जाएगा, आप रख लोगे। अब दूसरा जो टॉपिक आता है उस पर बात करते हैं, तो ये रिमूव कर देते हैं। जो दूसरा टॉपिक है आपके माइंड में चल रहा होगा कि सबसे पहले चलो दूसरा टॉपिक हम बात करते हैं, इन्वेस्टमेंट कैसे करें, ठीक है। तो जो दूसरा टॉपिक है यहां लिख देते हैं, इन्वेस्टमेंट कैसे करें। तो इन्वेस्टमेंट कैसे करें, सबसे पहले आपको बताता हूं। देखो, अगर आप फंटेसी खेलते हो और आपको लॉन्ग टाइम तक फंटेसी खेलना है और प्रॉफिट बनाना है लॉन्ग टाइम तक, तो आपको इन्वेस्टमेंट प्लान जानना जरूरी है। अगर आप सोच रहे हो कि भाई सिर्फ आज ही खेलना है, तब आपको जैसे खेलना है वैसे खेलो, उसका कोई इलाज नहीं है। लेकिन आपको लग रहा है कि जैसे हम 7 साल 8 साल से खेल रहे हैं, ठीक है, पिछले सीजन में हमने कितने प्रॉफिट बनाए, 3 मैचेस में लगभग हमने भाई कितने विनिंग किया था, जाके हमारे टेलीग्राम देख लो, फर्स्ट कमेंट में टेलीग्राम का लिंक आपको पिन करके दे दूंगा। तो इन्वेस्टमेंट आपको जानना जरूरी है। बाय द वे, आप सैलरी पर्सन हो, आप जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, स्टूडेंट हो, अगर आपके पास कुछ भी अमाउंट है, मान लो मैं एक मोटा मोटी लोवेस्ट अमाउंट मान लेते हैं, आपके पास मान लीजिए कितना है, ज़्यादा नहीं 10,000 है, ठीक है, आपके पास है 10,000 10K, ठीक है, 10K, इधर ये डिलीट कर देते हैं क्योंकि फिर समझ में नहीं आएगा। बाय द वे, आपके पास है 10,000 10K मतलब समझ रहे हैं ना, 10,000। अब आपको क्या करना है, पूरे मान लीजिए अभी आईपीएल का सीरीज आ रहा है, ठीक है, आपको लग रहा है कि पूरे आईपीएल सीरीज का लगभग 70-75 मैच है, 60 दिन मैच चलेगा, 60 दिन जो भी है, तो आपको खेलना है, तो कम से कम आपके पास 15 से 20 दिन का मैच का बैकअप होना चाहिए। तो आपको 10K को क्या करना है, 20 से डिवाइड कर देना है। अब कितना बचा, डिवाइड करोगे तो कितना होगा, ₹500। तो आपको ₹500 पर मैच में इन्वेस्टमेंट करना है, पर मैच में, ठीक है,
₹500 आप पर मैच में इन्वेस्टमेंट करोगे लगभग 20 मैच में। अगर 20 मैच में आप कंटिन्यू जीतते हो, मैक्सिमम मैचेस में जीतते हो, और ये 10 के से आपका 100 के हो जाता है, फिर उसको आप कर दो 20 से डिवाइड। मान लो 100 के हो गया तो फिर उसको कर दो 10 से डिवाइड, मतलब सॉरी 20 से डिवाइड। आप ऐसे करके इन्वेस्टमेंट प्लान चूज करो तो आप ना कभी भी लॉस में नहीं रहोगे, चाहे आपके कितने भी बेकार से बेकार टीम होगा ना। लगन अगर आप 4 मेंबर खेलोगे या 5 मेंबर खेलोगे ना, अगर आप 4 मैच भी जीत जाते हो ना तो आप प्रॉफिट में रहोगे ही रहोगे। लेकिन लोग गलती क्या करते हैं कि उसके पास 10K होता है, वो एक मैच में 5K लगाता है, आधा बचा के रखता है, फिर दूसरे मैच में वो क्या करेगा 5K में 3K लगाएगा, 2K बचा के रखेगा, 3 मैच में सब रफा दफा। अगर उसमें 3 मैच खराब गया स्टार्टिंग के 3 मैच, देखो कई बार होते हैं कि स्टार्टिंग के कुछ मैचेस खराब जाते हैं फिर कंटिन्यू जीते हैं। अब मेरा पिछला सीजन पहला IPL मेरा खराब गया था पिछला सीजन में, उसके बाद कंटिन्यू जीते हैं, फिर बीच में हमारा 2-3 मैच खराब गया, फिर कंटिन्यू जीते। अब लोग पहले मैच में ही दबा के लगा देगा तो मेरा गलती है, वो मेरा गलती नहीं है ना, हम तो आपको बता रहे हैं। तो इसलिए कभी भी इन्वेस्टमेंट जो प्लान है वो आप 20 से डिवाइड करो, जितने आपके बचते हैं उतने हर मैचेस में लगाओ। लेकिन अब बताता हूं, 500 अगर है तो कभी भी एक कॉन्टेस्ट ज्वाइन मत करना, कभी भी एक कॉन्टेस्ट ज्वाइन मत करना। ये 500 को भी आपको कम से कम नहीं तो 3 कॉन्टेस्ट ज्वाइन करना है, 3 कॉन्टेस्ट कम, क्योंकि अगर आपने 500 वाला एक कॉन्टेस्ट ज्वाइन किया और अगर आपको ओपोनेंट तगड़ा वाला मिल गया तो आप हार जाओगे, लेकिन अगर आपने 3 कॉन्टेस्ट ज्वाइन किया तो एक हारोगे, 2 तो जीतोगे फिर भी प्रॉफिट रहोगे। अगर 2 हारा 1 तो जीतोगे, कम से कम आप जितना लगाया उतना तो आया। तो कभी भी एक तो सबसे पहले आपके पास जितना अमाउंट है उसका 20 से भागा करो, डिवाइड करो, और उस जितना बचता है जैसे ₹500 आता है उसको आपको हर मैच में लगाना है पर डे, ठीक है, और कम से कम 3 क्वार्टर लगाना है। तो ये समझ गए इन्वेस्टमेंट प्लान ऐसे होता है। चलो अब जो हम बात करेंगे वो है कि कॉन्टेस्ट ज्वाइन कब करें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि आपके ओपोनेंट जो है वो आपको तगड़ा वाला मिल जाता है ना, वो बहुत ज्यादा है। तो लिख देता हूं यहां पे, जो तीसरा जो पॉइंट है वो है कॉन्टेस्ट कब ज्वाइन करें, ठीक है, अरे हिंदी में ही लिख देता हूं, कब ज्वाइन करें, ठीक है, ज्वाइन, अरे हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स हो गए, चलो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो कॉन्टेस्ट कब ज्वाइन करें, अब आपको बताता हूं, मैच का डेडलाइन होता है, डेडलाइन से आप 2 से 3 मिनट के बीच में आप कॉन्टेस्ट ज्वाइन करने का ज्यादा कोशिश करें, या तो मैच का लाइनअप आने से 1 घंटा पहले भी कुछ कॉन्टेस्ट ज्वाइन करें। मतलब अगर आप 3 कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर रहे हो तो 1 कॉन्टेस्ट आप ज्वाइन कर दो मैच से 2 घंटा पहले, अगर आपको खेलना है कंफर्म खेलना है तो, और 2 कॉन्टेस्ट आप ऐसे टाइम ज्वाइन करो जब फटाफट ज्वाइन हो रहा है, जैसे 1 मिनट बचा है डेडलाइन या 30 सेकंड बचा है तब ज्वाइन करो। उस टाइम में क्या होता है ना, नए प्लेयर भी आते हैं और पुराने प्लेयर भी आते हैं, एक्सपीरियंस प्लेयर भी मिलेगा नॉन एक्सपीरियंस प्लेयर भी मिलेगा, तो उसमें क्या होता है आपका मिक्स हो जाएगा, आपका कई बार किस्मत ऐसा साथ देगा कि आपके खराब भी टीम बनेगा फिर भी आप जीत जाओगे, क्योंकि आपके उस टाइम में क्या होता है बहुत ऐसे लोग होते हैं, अरे मेरे को यार डेडलाइन आ गया मैंने तो कुछ मैच एनालिसिस किया नहीं, चलो टीम बना के लगा देते, क्या पता जीत जाए, वैसे प्लेयर आपके साथ आ जाएगा आपके कॉन्टेस्ट में। तो आपको 3 तरीका बताया, टीम कैसे बनाए, इन्वेस्टमेंट कैसे करें और कॉन्टेस्ट कब ज्वाइन करें, ठीक है। एक तो मैच से 1-1.5 घंटा पहले कॉन्टेस्ट ज्वाइन करो, कुछ कॉन्टेस्ट लगभग 25% कॉन्टेस्ट, और 75% कॉन्टेस्ट आप मैच से 1 मिनट बचता है उस टाइम ज्वाइन करो, तो जीतने का चांस आपके ज्यादा होंगे। और कभी भी एक ही टाइप का कॉन्टेस्ट ज्वाइन मत करना, एक ही टाइप का मतलब मान लो आपने 299 वाला या 2999 वाला जो कॉन्टेस्ट जो मैं ज्यादातर खेलता हूं, ऐसा नहीं कि मेरे टीम से आप मेरे साथ ज्वाइन कभी मत कर लेना, ऐसा मत करना, ठीक है। तो कभी भी एक टाइप का कॉन्टेस्ट ज्वाइन मत करना। आपके पास मान लो ज्यादा अमाउंट है तो आप ये वाला अगर खेलते हो तो कुछ ये भी करें, कुछ दूसरा भी करें, कोई 3 मेंबर भी करें, कई बार 2 मेंबर भी करें, 1 मेंबर भी करें, 1 मेंबर 2 मेंबर 3 मेंबर 5 मेंबर सब टाइप का कॉन्टेस्ट ज्वाइन करो, तभी आप प्रॉफिट में रहोगे। क्योंकि कई बार क्या होता है कि एक ही ओपोनेंट एक ही कॉन्टेस्ट बार बार ज्वाइन करता है और आप एक ही ओपोनेंट के पास आ जाओगे, अगर उसका टीम बेहतरीन हुआ तो आप कुछ पॉइंट से उससे हार सकते हो। लेकिन अगर आप टाइप्स ऑफ कॉन्टेस्ट ज्वाइन करोगे ना और
उसी डेडलाइन के टाइम में जब एक मिनट दो मिनट बचता है तो आपके एक की टाइप का ओपिनियन नहीं आएगा, आपको टाइप का ओपिनियन मिलेगा, तो उस टाइम में आपके जीतने का चांस थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, बाकी देखो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो प्लीज़ एक लाइक करना, अपने कॉमेंट जरूर बताना आपका क्या राय है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। साथ में हमारा जो टेलीग्राम है जहाँ पे मैं फाइनल स्मॉल लीग टीम देता हूँ उसका लिंक आपको नीचे फर्स्ट कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में पिन करके दे दूंगा, तो फर्स्ट कमेंट में आपको लिंक पिन करके दे दूंगा, क्लिक करके ज्वाइन हो जाना। मिलते हैं स्टूडियो में, जय हिंद, वंदे मातरम। इस गेम में वित्तीय जोखिम की संभावना शामिल है और इसकी लत लग सकती है, कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर